हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ किंग के ऊपर। आज हम बात करेंगे रणथंबोर नेशनल पार्क की सफारी के बारे में। आज ये इस वीडियो में हम मेनली तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। फर्स्ट है आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, सेकंड है टिकट कैसे बुक कराएं और इसकी कॉस्ट कितनी है, थर्ड है किस मौसम में सफारी करना ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। यह नेशनल पार्क भारत के बड़े नेशनल पार्कों में से एक है। यह नेशनल पार्क 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, इसके लिए है इस अभयारण्य के निकटतम हवाई अड्डा जयपुर का है, जो कि यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा निकटतम रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन है, जो कि नेशनल पार्क से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाइस, आगे हम बात करते हैं कि टिकट कैसे बुक कराएं। आप अपनी टिकट SSO राजस्थान वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। यह वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बुकिंग अमाउंट है वो अलग अलग होती है। तो रणथंबोर नेशनल पार्क में घूमने के लिए हमारे पास दो व्हीकल है। वन है जिप्सी और सेकेंड है केंटर। जिप्सी की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, केंटर की प्राइस थोड़ी कम होती है। अगर आपको अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो आप जिप्सी बुक करवा सकते हैं। जिप्सी में 6 लोगों की अनुमति होती है। पर पर्सन 1100 से 1300 के अराउंड बुकिंग हो जाती है, लेकिन जिप्सी तभी जाएगी जब सभी सीट बुक होगी। कहने का मतलब यह है कि जिप्सी अगर आप पर्सनल बुक करते हो तो यह आपको 6600 से 7000 के लगभग कॉस्ट लग जाती है इसकी। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास केंटर। अगर आप शेयरिंग में घूम सकते हैं और आपके थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम है तो आप केंटर बुक कर सकते हैं। केंटर की टिकट लगभग 600 से 800 रुपये के बीच होती है, लेकिन केंटर में क्या है कि यह एक स्पेशल रास्ते पर ही चलती है, और जिप्सी है जो कि छोटे रास्तों के अंदर भी चलती है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि किस मौसम में जंगल सफारी करना आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप रणथंबोर नेशनल पार्क में घूमने आ रहे हो तो यह पता होना चाहिए कि मानसून में यह नेशनल पार्क बंद रहता है और सर्दियों में जंगली जानवर व टाइगर देखने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आप अगर टाइगर देखने के लिए आते हैं तो गर्मियों के अंदर आना ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी रणथंबोर सफारी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, तथा यह भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।